रही थी, पुलिस वाली मेरे हाथ पकड़ी पहले, फिर उसके बाद मेरी सारी खींचा, पूरा मेरा पिन आ गया, ये क्या हो रहा है इस देश में। और मेरा सवाल आज सरकार से ये है कि लोकतंत्र में अमन से विरोध करना गलत है या नहीं? वो हमारा हक है, हमारे संविधान में है, ये क्यों हमको ये 144 क्यों डाला हुआ है? आज हम जनता के मुद्दा उठा रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, हम विरोध कर रहे हैं जो 5% GST डाला हुआ है दाल चावल रोटी सबके ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर हम विरोध कर रहे हैं। ये गलत है या सही है? हमको विरोध करना हमारा हक है ना, विपक्ष का हक है। ये हक क्यों छीन रहे हो सरकार? आपको ये पूछना सरकार से। हम जो मुद्दा है जनता का मुद्दा, जीवन जो हो रहा है, आपने देखा कि गैस का जो दाम 410 से 1000 से ऊपर हो गया, पेट्रोल का दाम 1000-1200 और डीजल का दाम 100 के ऊपर कभी कभी नीचे आ जाते हैं, तो इसके जो जनता है वो कैसे जी सकते हैं, है ना? दो बार तो खाना है, तीन बार तो खाना है, बच्चों को कैसे देखभाल करेंगे, स्कूल कैसे देंगे, पैसा चाहिए सब चीज के लिए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मेरा सवाल क्या है कि अमन से विरोध करना इस हमारा हक नहीं है? इस संविधान में लिखा है हम अमन से कर रहे हैं, किसी को आक्रमण नहीं कर रहा है। तो मुझे मैं पूछना चाहती हूँ कि 144 आज क्यों डाला, हम क्यों नहीं विरोध कर सकते? क्या प्रधानमंत्री के घर हम यहाँ से नहीं चल सकते? वहाँ तक कहाँ, किस 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 लोकतंत्र में मना है कि अमन से या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना? आप बताइए, आप लोग सरकार से पूछ लीजिए। जी, आप लोग का प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक था? ये जहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री के घर के पास जा रहे हैं जी, वो आप यहाँ से ही रोक लीजिए। बिल्कुल, ये क्या गलत काम है ना? बिल्कुल। और जो पुलिस लग रहा है कि बीजेपी का पुलिस है यहाँ।